नगरी सीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव अपने पदस्थापन के बाद से लगातार नगरी क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक लोगों की मोटेशन, जाति, आय, आवासीय आचरण प्रमाण पत्र बना रहे हैं। सीओ पदस्थापन के बाद से ही नगरी के बिचौलिया और एजेंट जो गलत तरह से अपने काम करवाना चाहते हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। इसलिए बिचौलिया और एजेंटों के द्वारा एक साजिश के तहत उन पर आरोप लगाया जा रहा है। बाहरी लोगों के द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन पर लगातार दबाव डाला जा रहा है। स्थानीय निवासी और नगरी के पाहन राजू मुंडा ने कहा कि सीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव गलत कागज पर लोगों की काम नहीं कर रहे हैं, लगातार आदिवासियों की जमीन को बचाने का भी काम कर रहे हैं। उनका कार्यशैली ईमानदारी पूर्वक है, पूरे कागज सही रहने पर तुरंत कर देते हैं। वहीं मौके पर मौजूद बाकी लोगों ने कहा कि किसानों और जरूरतमंदों का सीओ हमेशा काम करते हैं, यह नगरी क्षेत्र में एक मसीहा के रूप में जाने जा रहे हैं। वह जिम्मेदारी से यह अपना काम कर रहे हैं, जायज को जायज और नाजायज को नाजायज के तौर से देखते हैं। सारी महिलाएं ही कह रहे हैं कि सीओ सर हम लोग अच्छा काम करते हैं और जो भी काम हम लोग कराने जाते हैं वो काम तो होता ही है। कभी तो ऐसा नहीं है, दलाल लोग बोलते हैं कि हम लोग काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग किसी महिला को लेकर जाते हैं हम लोग अच्छा ही काम करते हैं। मतलब अच्छे हैं, अच्छे हैं सीओ सर। क्या कहेंगे नगरी सीओ वाले? हम लोग का सीओ साहब अच्छा है और जो भी काम हम लोग करते हैं से हम लोग का अच्छा करते हैं, अच्छा रहते भी है, अच्छा सीओ साहब को रहना भी है। क्या नाम हुआ आपका? अमना खातून। आपका नाम? मेरा यास्मीन खातून। कि हमारे सीओ जी अच्छे हैं और जो भी काम हम लोग करते हैं वो हम लोग को पूरा करते हैं। क्या कहेंगे, सीओ कैसे हैं आपके, नगरी सीओ कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सीओ साहब। अच्छे से? हाँ अच्छे हैं। आप लोगों का काम होता है? हाँ सब काम होता है, अच्छा होता है। कभी काम हम लोग का सीओ बहुत अच्छे हैं, हम लोग जो भी काम कराने जाते हैं हम लोग का अच्छा से काम हो जाता है। कभी गए हैं? हाँ गए हैं। कैसे हैं सीओ? अच्छे हैं सीओ साहब, जो भी काम कराते हैं अच्छा कर देते हैं। ठीक है सीओ साहब जी, अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उसका इंसान यह है, सभी लोगों को मिला के चलने वाले हैं और नगरी सीओ जैसा कोई सीओ आया नहीं आज तक, अभी जो सीओ है। क्या कहेंगे नगरी सीओ के बारे में? देखिए नगरी सीओ बहुत ही अच्छा है और जो भी काम आज तक किए हैं वो अपना सही किए हैं, गलत कहीं आज तक नहीं हुआ है जब से आए। मेरा नाम राजू मुंडा, मैं नगरी का पहान हूँ। क्या कहेंगे सीओ? नगरी सीओ बहुत ही अच्छा है, वो आज तक हम जितना भी कुछ देखे हैं बहुत अच्छा करते हैं काम। आज उनके ऊपर उंगलियां क्यों उठाई जा रही है? उंगलियां इसलिए उठाई जा रही नहीं कि जिसका काम जो गलत रहते हैं उसका काम वो नहीं करते हैं, इसीलिए उसका चरित्र पर अति कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नगरी सीओ अच्छा है, वो काम अपने स्तर से करते हैं, बढ़िया करते हैं काम, हमेशा अच्छा से काम करते आए हुए, सबको ले के चलते हैं। सीओ बहुत अच्छा है, जो माने अपना स्तर से जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। नगरी सीओ बहुत ही अच्छे हैं, उनके काम से हम लोग बहुत प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं, हम लोग चाहेंगे कि हमेशा यही सीओ यही रहे, हम लोग काम ऐसे ही आसानी से होते रहे। सीओ बहुत बढ़िया है, कोई भी काम हम लोग जाते हैं करवाने के लिए तो हम लोग को तुरंत कर देते हैं और बहुत बढ़िया आदमी है। क्या कहेंगे सीओ? हाँ नगरी सीओ तो बहुत अच्छा है, हम लोग हमेशा जाते उते हैं, देखते हैं, अच्छा काम वाम करवाते हैं। क्या कहेंगे सीओ के बारे? सीओ के बारे ठीक है, अच्छा काम करते हैं। नगरी सीओ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब ऐसे ही सीओ रहना चाहिए? ऐसे सीओ रहना चाहिए। नगरी सीओ अच्छा है, अच्छा काम वाम करता है, वैसे ही रहना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। हर महत्व है, हम नगरी के रहने वाले हैं, हम लोग के यहाँ नगरी सीओ है जो अच्छा काम करते हैं, हमेशा यही सीओ को रहना चाहिए, रहने देना चाहिए। इससे अच्छा सीओ हम लोग को नहीं मिल सकता है, क्योंकि अच्छा हम लोग को भी गांव समाज को देख के ही चलता है। संतोष कुमार महतो। रोहित कुमार साहू नगरी से, बाण टोली श्री श्री बजरंग क्लब के अध्यक्ष और तेली समाज के भी अध्यक्ष है युवा मोर्चा। आज जो नगरी सीओ के प्रति नगरी के जो बिचौलिया लोग आज नगरी ब्लॉक अंचल को जो घेरे थे, वे लोग बीच का जो बिचौलिया का काम कर रहे हैं
वो लोग घर घर जाके मोटेशन को हमको दो बोल के वो लोग आज नगरी सीओ के प्रति गए हैं कि नहीं नगरी सीओ सही से काम नहीं कर रहा है। वो लोग का कहना है कि हमको मोटेशन का काम दे और हम लोग सीओ से जाके काम करवाएं और दलाली खाएं। वैसे लोग आज गए थे और हम बता दे रहे हैं आज से हमारे नगरी में 2 महीना पहले एक दंगा हुआ था और उस दंगा में लोगों का नाम नगरी सीओ के द्वारा एक उछाल हुआ था कि नहीं नगरी सीओ दिया था, लेकिन नगरी सीओ नहीं दिया था और उसके प्रति भी लोग सोच रहा है कि नगरी सीओ दिया था आज इसका बदला लेना है, उसके भावना से भी लोग आज नगरी ब्लॉक को घेरने गया है। वैसे लोग गया था जिसका नाम था वही लोग गया है और आज जोर जोर से जाके नगरी सीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव के लिए बोल रहा है काम कर रहा है, मतलब अच्छा है। और जो भी बिचौलिया गया है वो गलत कर रहा है। नगरी सीओ ग्रामीण और मैंने क्या बोले बुजुर्ग के लिए अच्छा है और आप अगर ज़मीन को लेके जा रहे हैं जो सही मालिक है सही रैयत है तो उसका मोटेशन में काम कहीं रुकावट नहीं है। वो लोग कर रहा है जो बिचौलिया लोग अभी गया है, यही तो चाहिए दलाली। बातचीत सर सीओ का बहुत बढ़िया है, जो अभी क्या बोले जो वीडियो वायरल हुआ है हम लोग भी सुने, वो लड़का तो उसको उसका रहा था, उसको उसका रहा था कि आप कुछ बोले, वो अपना काम कराने नहीं गया था, वो काम को बिगाड़ने गया था। अगर कहीं अफसर के साथ अगर काम करना है तो उससे रिक्वेस्ट होता है कि जाके बोलिएगा हमको लिखित दो, कोई भी अफसर गुस्सा होगा। तो अफसर के साथ वो गलत किया है, अफसर गलत नहीं किया है। जी बताइए कैसे है नगरी सीओ, क्या नाम है? मेरा नाम अमीन अंसारी है। नगरी सीओ काफ़ी अच्छा आदमी है। मेरा कोई ज़मीन था जिसको इनलीगल तरीके से रजिस्ट्री कराया गया था, जिनके लिए हम लोग ने आवेदन किया मोटेशन रोकने के लिए, जिसको सीओ के द्वारा रोक दिया गया है, या फिर जितने भी रिलेटेड जाति आवासीय इनकम से भी काम कराना पड़ता है हम लोगों को, सीओ के द्वारा एकदम आराम से कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम प्रशंसा करते हैं अपने नगरी सीओ का। उनके विपक्ष में होंगे जिनके काम नहीं होता है या उनसे कुछ दिक्कत होगी, वो हमारे काम तो बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।